मोतिहारी के आर्य समाज चौक के पास एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दरअसल अपोलो ट्रांसपोर्ट कंपनी का माल लेकर आ रहा एक ट्रक 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया। ट्रक में सवार ड्राइवर को यह पता ही नहीं लगा कि माल में आग लग चुकी है, लेकिन लोगों के शोर मचाने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। वहीं पटना के एग्जीबिशन रोड पर लगे एक ट्रांसफॉर्मर में भी भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिजली विभाग को सूचना देने के बाद लाइन काटा गया, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हम लोग का जानकारी राज कंट्रोल से सूचना मिला पीआर से कि एग्जीबिशन रोड 13 नंबर पाया के पास आग लगी हुई है, तो वहाँ से तुरंत हम लोग सूचना मिला कि एग्जीबिशन जाइए, आप लोग के आग लगा हुआ है। तो जैसे सूचना मिला तुरंत वहाँ से प्रस्थान करके यहाँ पे आए, तो यहाँ पर आए देखे ट्रांसफार्मर में आग लगा हुआ है। इस आग को तुरंत सूचना हम लोग अपने अग्निशमन को दिए कि लाइन कटवाया जाए, पुनः लाइन कटवाए तो उसमें हम लोग पानी मारे, आग को काबू पा गया। अभी किसी तरह की कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सब काबू पा लिया गया। गर्मी के बढ़ते ही आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो जाता है, इसीलिए दमकल विभाग की टीम को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अभिषेक और पटना से संजीव की रिपोर्ट।